पसंद ही आए तो सॉफ्टी जरूर यहाँ की दीजिएगा। और आपका फिर से स्वागत स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलिंग लवर अनुभव पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय शाम के 5:30 या 6:15 हो रहे हैं और जैसा कि हमने बोला था कि पार्ट 2 के अंदर हम नौचंदी मेले को कवर करने वाले हैं। तो गाइस हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर हमने वीडियो का एंड किया था। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको बाले मियाँ के बारे में बता रहा था, जो जिसकी जानकारी मैं आपको पूरी नहीं दे पाया था अपनी पिछली वीडियो में। और मैंने आपको बताया था कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक गुफा के बारे में बताया था जो खंदक से इस मंदिर तक थी, जिस गुफा से वो पूजा अर्चना के लिए आया करती थी इस मंदिर में। तो बात करें अगर बाले मियाँ की, तो ऐसा बताया जाता है उसने जो है इस मंदिर को तहस नहस कर दिया था। और मतलब ये मंदिर ऐसा बताते हैं काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो उसने एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसको थोड़ा तहस नहस कर दिया था ऐसा बताते हैं। और मतलब ऐसा बताते हैं मंदिर काफ़ी बड़ा था पहले, ये अब थोड़ा छोटा हो चुका है। और तो गाइज अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे मेले की तरफ और मेले में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, किस प्रकार के झूले हैं, किस तरीके के झूले हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे। और सो गाइस आ चुके हैं हम अंदर की तरफ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं मेरे पीछे ये है नौचंदी मेले का गेट। यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ। और गाइस बता दूं शायद अंदर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर ना आ पाए क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा अभी शोर शराबा है। और देख सकते हैं अभी दिन का समय है और अभी मेला ज़्यादा भरा नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये दिन के समय का व्यू है, मैं रात के समय का भी आपको व्यू दिखाऊँगा। गाइस अब हम आ चुके हैं मंदिर की तरफ और ये माँ दुर्गा का मंदिर है। दुर्गा माँ के मंदिर दर्शन करते हैं माँ दुर्गा के, क्योंकि अभी तो काफ़ी समय लग जाएगा यहाँ लाइटिंग आने में, रात होने में। अभी है यहाँ पर 45 मिनट्स हैं अभी रात होने में। तो जब तक मैंने सोचा क्यों ना माँ दुर्गा के दर्शन कर लिए जाए अंदर चल के मंदिर में। तो गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं माँ दुर्गा के। देख रहे होंगे आप अभी जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मेला अभी इतना भरा हुआ नहीं है और शॉप्स भी अभी काफ़ी खाली हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, रात होती जाएगी, मेले में आपको जो है भीड़ दिखने लगेगी धीरे धीरे और मेला और थोड़ा सुंदर लगने लगेगा क्योंकि रात की जो लाइटिंग है ना, मज़ा उसी का ये नौचंदी में। दिन में कुछ नहीं है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। मैं जैसे कि आपको दिखा पा रहा हूँ, आप कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, आप देख सकते हैं। चलते हैं गाइस आगे की तरफ और कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप नौचंदी मेले में आए तो यहाँ पर आप शूटिंग भी कर सकते हैं आके। भैया कितने में कराते हो शूटिंग? 30 रुपये की एक बार। तो गाइस आइए नौचंदी मेले में और काफ़ी मज़ा आने वाला है और बने रहेगा मेरे वीडियो में मेरे साथ में। तो 30 रुपये में एक शूटिंग कर सकते हैं, अगर आप शूटिंग करने का शौक रखते हैं तो शूटिंग भी कर सकते हैं।
और झूलों की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत के किसी भी मेले में यहां से अच्छे झूले आपको कहीं मिल पाएंगे। और एक जो झूला है हथौड़े वाला, मैं भी आपको दिखाने वाला हूं उसको। उसमें तो मैं आज तक तो कभी बैठा नहीं हूं और ना मैं कभी कोशिश करता हूं उसमें बैठने की, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक वो झूला है। तो गाइस बनी रहेगा वीडियो में और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर खाने पीने की आपको हर हर वैरायटी मिल जाएगी। देख सकते हैं मेरे सामने हरिद्वार चाट भंडार, हर तरीके की चाट, चाउमीन, सब सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। पाव भाजी सब कुछ खा सकते हैं आप। मेरे सामने देखिए पंजाबी छोले भटूरे, छोले चावल। तो गाइस अगर आप आते हैं तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। हलवा पराठा मैं आपको बता दूं आपको, नौचंदी का फेमस है, मेरे सामने देख सकते हैं आप। और ये देखिए पापड़ी, दही बड़ा, भल्ला पापड़ी, मिक्स चाट, पानी के बतासे, हलवा पराठा 120 रुपए में मिल जाएगा आपको हलवा पराठा। और मेरे सामने भारत सुपर सॉफ्टी। तो गाइस मेला जो है काफ़ी बड़ा ये मेला है और पैर जो हैं वो दुख चुके हैं घूमते घूमते, काफ़ी ये बड़ा मेला है। और मैं आपको बता दूं, देखो अगर झूले की बात करें तो झूले हर तरीके के हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, मैं आपको दिखा देता हूं। और खाने की बात करूं फूड आइटम की, तो लगभग आपको सभी यहाँ फूड आइटम मिल जाएगा, आपको हर तरीके का फूड आइटम आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे फ्रूट आइसक्रीम है यहाँ पर। और अगर आप लस्सी का शौकीन रखते हैं तो मेरे पीछे दस देखिए, ये लस्सी की शॉप है यहाँ पर। मतलब हर तरीके का फूड आइटम है। और छोटे बच्चों के लिए बात करूँ तो देख सकते हैं ये काफ़ी सारे झूले हैं छोटे बच्चों के लिए, आगे आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखिए काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पर, वैरायटी काफ़ी है, हर तरीके के झूले हैं, हर एज के बच्चों के लिए यहाँ पर आपको झूले मिलेंगे, बड़ों के लिए अलग है। ये देखिए गाइस मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप। और अब लाइट ऑन होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए गाइस आप देख पा रहे होंगे हल्की हल्की लाइटिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे जैसे रात होगी व्यू काफ़ी बढ़िया हो जाएगा रात होने के बाद, क्योंकि हर तरफ लाइट ही लाइट्स होंगी और एकदम अच्छा व्यू हो जाएगा, बहुत अच्छा व्यू होने वाला है। तो बने रहिएगा गाइस वीडियो में। गाइस चलना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर, बहुत देख पा रहे होंगे बहुत छोटा सा रोड है और ट्रैफिक अभी अलाउ है अंदर जब तक रात नहीं हो जाती। जैसे ही रात हो जाएगी जो भी ट्रैफिक है उसको बाहर ही रोक दिया जाएगा। पुलिस जो सुरक्षा बल है वो किसी भी व्हीकल को अंदर एंट्री नहीं देगी जैसे ही रात हो जाएगी। तो थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके वो देखने की मिलेंगी अभी वीडियो के अंदर। तो गाइस जैसे मैंने बोला था कि रात में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की लाइटिंग है। और मेरे पीछे देखिए इस समय जो व्यू है वो ज़बरदस्त व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, आप देख पा रहे होंगे गाइस। चलते हैं गाइस उसकी तरफ और देखते हैं। गाइस ये देखिए
इंटरेस्टिंग गुफा थी और मज़ा आ गया। मतलब जैसी ओरिजिनलिटी है वो तो नहीं है गुफा के अंदर, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक लगता है कि हाँ कि मतलब ठीक ठाक है, आप जा सकते हैं। और जो है गुफा का एक जो व्यू है उसका फील ले सकते हैं। तो गाइस चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ और काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, काफ़ी चीज़ों को कैप्चर करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाऊँ उस मेले की। तो चलिए गाइस चलते हैं बाहर की तरफ। गाइस शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अगर वॉइस नहीं आ पाए तो माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस जा सके आपके पास में। थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और मेरे पीछे देखिए हथौड़े वाला झूला आप देख पा रहे होंगे, ये जो झूला है ना काफ़ी ख़तरनाक झूला है, मैं तो नहीं झूलने वाला खैर इसमें। और क्योंकि एक बार मैं झूला था तो थोड़ा चक्कर वगैरह आ गया था, तो मेरे को वाटर लगता है इससे, तो मैं तो नहीं झूल पाऊँगा इसको। आप देख सकते हैं पीछे ये वो झूला है हथौड़े वाला झूला। और तो गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे BSF के जवान यहाँ से जाते हुए। सिक्योरिटी की बात करूँ तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी है यहाँ पर, जो प्रशासन है काफ़ी सख्त है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे BSF के जवान जाते हुए। तो गाइस मेरे पीछे देखिए व्यू आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और चलते हैं आगे की तरफ। आप जब भी नौचंदी आए तो सॉफ्टी जरूर यहाँ की लीजिएगा, और क्योंकि नौचंदी की दो ही चीज़ मैंने आपको बताई है फेमस है, एक तो पराठा हलवा पराठा और एक सॉफ्टी। बाकी लॉट्स ऑफ वैरायटी है यहाँ पर, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर खाने के लिए। तो गाइस भीड़ बहुत है और जो है जगह जगह पर पानी भी भरा हुआ है, तो देख पा रहे होंगे मेरे पीछे सॉफ्टी की शॉप है। गाइस आपने देखा होगा मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाने का प्रयास किया इस मेले के अंदर, और अब जो है चलने का समय आ चुका है और वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है। तो ये लकड़ी के छल्ले पे आप नाम लिखवा सकते हैं, लकड़ी के छल्ले पे ₹30 से स्टार्टिंग है। अगर आप नाम लिखवाना चाहते हैं तो ₹30 से स्टार्ट है, आप चावल के दाने पर नाम लिखवा सकते हैं। ₹30, ₹50, ₹70, अलग अलग तरीके के नाम हैं, अलग अलग तरीके के वैरायटी है मतलब। तो गाइस मैं अपनी वीडियो को अब यहाँ समाप्त करूँगा, और जो है अगर आना चाहें तो आप जो है मेरठ आना पड़ेगा आपको, आप जहाँ पर भी हो। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है, ये दूर पड़ता है मेरठ, 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, मैं तो बोलूँगा कि आप ज़रूर विजिट करिए एक बार यहाँ पर। तो गाइस बाय बाय, कीप वॉचिंग।